विस्तार से। रविवार को महाराजा नीमपाल सिंह गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में 6 दिन तक चलने वाले इंटर कॉलेज क्रिकेट महाकुंभ का शुभारंभ भिवानी के उपमंडल अधिकारी महेश कुमार ने किया। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित महाकुंभ में खिलाड़ियों की ओर से शारीरिक क्षमता बढ़ाने, आपसी भाईचारा कायम रखने व नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा। आपको बता दें कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भिवानी के राजकीय कॉलेज में क्रिकेट का महाकुंभ, पहले दिन 36 कॉलेजेस की टीम यहां पर पहुंची। शारीरिक शिक्षक वजीर गोयत ने बताया कि राजकीय कॉलेज भीम स्टेडियम व जी लिटर स्कूल में ये प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। प्रतियोगिता का उद्घाटन SDM महेश कुमार ने पिच पर दो दो हाथ करके किया। इस अवसर पर SDM ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर SDM महेश कुमार ने बताया कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा स्टेट लेवल पर हर खेल की प्रतियोगिता करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि खेलों का जीवन में बहुत महत्व है। खेलों से शरीर फिट रहता है और शरीर फिट होने पर दिमाग भी फिट होता है। ऐसे में जो व्यक्ति शरीर व दिमाग से फिट होगा, वही व्यक्ति अपने समाज व देश के प्रति जिम्मेदारी को सही निभाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं व खिलाड़ियों को नशे से दूर रहना चाहिए, जो बहुत ही नुकसानदायक है, बड़ी बीमारी का कारण भी है। उन्होंने कहा कि नशे से एक बार मजा तो आता है, लेकिन जीत नशे की ही होती है और अंततः युवक को पछताना पड़ता है। आज डायरेक्टर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेट लेवल इंटर कॉलेज क्रिकेट प्रतियोगिता का यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। इसमें 36 जो एंट्रीज़ हैं, जो टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। नो डाउट कोई भी प्रतियोगिता होती है जिसमें आपकी शारीरिक क्षमता का एक परिचायक होता है और एक गेम स्पिरिट है, क्रिकेट स्पिरिट है आपकी, जो क्रिकेट गेम है, गेम स्पिरिट के साथ खेला जाता है, डिसिप्लिन के साथ खेला जाता है और टीम स्पिरिट के साथ खेला जाता है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं और ये हम प्रतिबद्ध हैं कि इस प्रतियोगिता का आयोजन सफलतापूर्वक और अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे। किसी खिलाड़ी को किसी प्रकार की भी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट है, वो खेलने आए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी की गई है सभी टीमों के ठहरने के लिए और यहाँ पे खाने का भी प्रबंध किया गया है। जी, हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई है और अभी हम मैच खेलने जा रहे हैं।